हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेली सावलिया और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल RS ऑटोमोटिव। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मोटो ब्लॉगिंग को लेके, जो भी केरला में जो नया रूल आया है जिसमें बताया गया है कि इंडिया में हेलमेट माउंटेड कैमरास लगाना जो है, या फिर जिसे हम गोप्रोस या फिर एक्शन कैमरा जो लगा के मोटो ब्लॉगिंग करते हैं, वो इलीगल हो चुका है। यानी कि आप जो है वो लीगली मोटो ब्लॉग नहीं कर सकते। तो वही लॉ के बारे में मैं जो है आपको आज बताने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपको मोटो ब्लॉगिंग से रिलेटेड नया चैनल अभी शुरू करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि अभी बात मोटो ब्लॉगिंग की ही हो रही है, तो मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में ही मैं आपको डायरेक्ट मिलता हूँ और चलते चलते जो है वो बात करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि एक्चुअल में जो लॉ आया है वो लॉ क्या है और वो लॉ क्या कहना चाहता है। तो केरला में अभी क्या सीन हुआ था उसका मुझे इतना ज़्यादा अच्छे से आइडिया नहीं है, बट मोटो ब्लॉगिंग को लेकर ही कोई जो है वो मेजर एक्सीडेंट हुआ होगा, ऐसा जो है मैं अजम्पशन लगा रहा हूँ। केरला गवर्नमेंट जो है उन्होंने ऐसा रूल बनाया है कि हेलमेट माउंटेड जो कैमरास होंगे उसे शूट करना या फिर उसे शूट करके अपलोड करना जो है वो एक इलीगल चीज़ हो जाएगी। यानी कि आप जितने भी मोटो ब्लॉगर्स को देखते हैं, इंक्लूडिंग मी या फिर बड़े बड़े मोटो ब्लॉगर्स मुंबई कर निखिल जैस फिल्म्स, जिनकी जो है पूरी लाइफ ही मोटो ब्लॉगिंग पे डिपेंडेड है, तो इन सारे लोगों के लिए भी ये चीज़ जो है वो इलीगल हो सकती है। अभी जो है इस टाइम पे जो है सिर्फ केरल स्टेट के लिए ही जो है ये रूल बनाया गया है। पर एक चीज़ बता देता हूँ जो कि जनरली होती है हर बार, कि कोई भी एक स्टेट में कोई भी रूल आता है तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसमें थोड़ा बहुत अपना ध्यान देती है या फिर उसमें थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करती है, और उसके बाद में क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सेंट्रली जो है वो कोई भी रूल जो है वो लागू हो जाता है या फिर सेंट्रली कोई भी रूल अप्लाई हो जाता है। तो अगर ऐसा हुआ तो पहली चीज़ की लाइक बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि इंडिया में काफ़ी सारे टीनेजर्स और काफ़ी सारे और लोगों का भी जो लाइफ है वो मोटो ब्लॉगिंग पे डिपेंड करता है। जैसे कि आप जेस फिल्म्स को शायद जानते ही होंगे, तो जेस सर का जो पूरा लाइफ है वो उन्होंने मोटो ब्लॉगिंग से ही बनाया है। तो इन सारे लोगों के लिए जो है वो दिक्कत हो सकते हैं, इंक्लूडिंग मी। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप सोशल मीडिया पे नहीं होते तो आप कोई भी रूल को ब्रेक करते हैं तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट जब भी आप जो है सोशल मीडिया पे हैं तो यहाँ पे आप रूल को ब्रेक नहीं कर सकते, स्पेशली जो है YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्यों आते हैं, लोगों को यही बताने के रूल को फॉलो करो, हेलमेट पहनो, अच्छे से बाइक चलाओ, या फिर हमारे एक्सपीरियंसेस लोगों को ये भी हम सिखाते हैं कि सेफ्टी गियर्स पहने। तो ये सारी ही चीज़ें, यानी कि लोगों को अच्छी चीज़ें सिखाने और लोगों की लाइफ में जो है कुछ इम्प्रूवमेंट्स लाने के लिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं। तो अगर हम ही लोगों को रूल के लिए बता रहे हैं, यानी कि रूल फॉलो करने के लिए बता रहे हैं, तो हम तो उस रूल को नहीं तोड़ सकते। तो मैं या फिर मेरे जैसा कोई भी मोटो ब्लॉगर अगर ऐसा रूल कभी फ्यूचर में आता है तो बेशक हम लोग इस रूल को नहीं तोड़ सकते। तो ये हो गई रूल की बात। अब मेरा क्या ओपिनियन है इस रूल के ऊपर वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरा यही ओपिनियन है कि हाँ, अगर गवर्नमेंट कुछ करती है, कोई भी रूल लाती है और वो भी स्पेशली लोगों की सेफ्टी के लिए, तो मैं हमेशा उस चीज़ में साथ ही हूँ। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि आप मोटो ब्लॉग्स बनाते हैं, और स्पेशली भाई हमारे साथ ये दिक्कत नहीं है क्योंकि लोअर सीसी की बाइक्स में क्या होता है कि आप 50-60 की स्पीड पर ही चल सकते हैं हाई टू हाई, तो उसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। पर कई बार क्या होता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा हाई स्पीड्स पर मोटो ब्लॉगिंग करते हैं और उनका जो सारा ही ध्यान होता है, सारा कॉन्सेंट्रेशन मोटो ब्लॉग्स में होता है, तो इस वजह से जो है वो लोग अच्छे से राइडिंग पे ध्यान नहीं दे पाते। तो हाँ, उन लोगों के लिए रूल अच्छा है और सेफ्टी के लिए है, तो मैं ऑलवेज गवर्नमेंट के साथ ही हूँ। पर और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें रूल की बदलाव है, उसमें अगर गवर्नमेंट रूल में बदलाव लाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ रहेगी,
बट मैं एक चीज़ मानता हूँ कि भाई हाँ चलो बंद हो जाएगा तो उसके काफ़ी सारे और भी रास्ते होंगे और शायद वही रास्ते पे सारे लोग आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि किसी की भी लाइफ रुक जाएगी या फिर किसी का भी करियर बर्बाद हो जाएगा, किसी का करियर ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो यही मेरा ओपिनियन है कि हाँ आई एम ऑलवेज विथ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कुछ करेगी सोच के ही करेगी और हमारी सेफ्टी के लिए ही करेगी। और मैं तो आपको भी यही कहूँगा कि गवर्नमेंट का कोई भी रूल आता है उन्हें आपसे हो सके उतना ज़्यादा फॉलो कीजिए। सेफ्टी गियर्स पहनिए या फिर राइडिंग करते वक्त काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी रखिए। ये तो बाइक जो है एक ऐसी चीज़ है जो कि थ्रिलिंग है यार। हर एक टीनेजर को जो है वो अगर कोई हायर सीसी की बाइक दे दी जाए तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये जो बाइक जो आपको थ्रिल देती है वो मुझे नहीं लगता कि कार्स दे सकती है। और तो हाँ बाइक आपको जितना ज़्यादा थ्रिल देती है उतनी ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देती है। और बाइक पे सेफ्टी के लिए आप अच्छे से अच्छा हेलमेट वगैरह पहनिए, सेफ्टी गियर्स पहनिए, यही मेरी चीज़ है। और अब काफ़ी सारे लोग भी मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हम अभी अगर हमें नया YouTube चैनल शुरू करना हो, क्योंकि धीरे धीरे मैंने जैसे कि आपको बताया कि शायद ये रूल सेंट्रलाइज भी हो सकता है, तो क्या आप अगर कोई फ्यूचर में मोटो व्लॉगिंग शुरू करना चाहता है तो क्या वो करे या फिर ना करे? क्योंकि मोटो व्लॉगिंग के लिए इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ते हैं जिनका खर्चा लाइक ऑलमोस्ट 7 से 8 हज़ार रुपये हो जाता है। तो वो लोग क्या करे जो कि फ्यूचर में करना चाहते थे, वो लोग करे या फिर ना करे? चैनल शुरू करना चाहते हैं वो नया YouTube चैनल शुरू करे या फिर ना करे, उसके आंसर की बात करूं तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि अगर आपके दिमाग में कोई भी चीज़ है और आपको अपने आप पे विश्वास है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूं तो बेशक वो चीज़ को कीजिए। अगर आपको मोटो व्लॉगिंग में विश्वास है कि आप मोटो व्लॉगिंग में कुछ ना कुछ कर लोगे तो बेशक इस चीज़ की तरफ आइए। और हवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा चल रही है। और मोटो व्लॉगिंग अगर हेलमेट माउंटेड कैमरास को इलीगल कर दिया जाता है तो चेस्ट माउंट्स भी आते हैं और काफ़ी सारे और माउंट्स भी जो है वो आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मोटो व्लॉगिंग करियर एकदम ही ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी सारे और कोई भी एक रास्ता बंद कर दो तो लोग जो है और 50 रास्ते खोल सकते हैं। तो हाँ मैं भी यही कहूँगा कि अगर आपको अपने आप पर विश्वास है तो बेशक शुरू कीजिए। जब तक हेलमेट माउंटेड कैमरास जो है वो लीगल है तब तक तो आप अपना कैरियर बना ही पाएंगे और उसके बाद में भी जो है और कोई ना कोई रास्ता जो है वो मिल जाएगा। तो यही था आज की वीडियो के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।